Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about production process of cheese. इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रोडक्शन प्रोसेस देख चुके थे कर्ड का, जिसमें हमने ट्रेडिशनली भी डिस्कस किया था किस तरह से कर्ड प्रोड्यूस होता है और इंडस्ट्रियली भी. उससे पहले हम योगर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और योगर्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं. ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ चीज़. चीज़ सबको पता है क्या है, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है. क्लियर? चीज़ में भी सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट, हार्ड एंड वेरी हार्ड. चीज़ सॉफ्ट हो सकती है, सेमी सॉफ्ट हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है और वेरी हार्ड भी हो सकती है. सॉफ्ट चीज़ के एग्जांपल हैं ब्री, रिकॉटा एंड फेटा. सेमी सॉफ्ट चीज़ के एग्जांपल हैं ब्लू, मोज़रेला एंड प्रोवोलोनी. हार्ड चीज़ के एग्जांपल हैं शेडार, गौड़ा एंड स्विस. वेरी हार्ड चीज़ के एग्जांपल हैं पार्मेशन एंड रोमानो. क्लियर? ये चीज़ है, कितने टाइप्स की चीज़ होती हैं और उनके एग्जाम्पल साथ में दिए हुए हैं. ठीक, चलो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं. जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्टर कल्चर डालते हैं तो उस स्टार्टर कल्चर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, देखो, लैक्टोकोकस लैक्टिस, सब स्पीशीज लैक्टिस और क्रीमोरिस. पहला माइक्रो ऑर्गेनिज़म है लैक्टोकोकस लैक्टिस. सब स्पीशीज लैक्टिस भी हो सकती है और क्रीमोरिस भी हो सकती है. ठीक है, सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस सेलाइवरिकस, सब स्पीशीज थर्मोफिलस. थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, सब स्पीशीज बुल्गारिकस. एंड फोर्थ लैक्टोबैसिलस हेलवेटिकस. क्लियर? ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं चीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस में. चलो अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं किस तरह से चीज़ का प्रोडक्शन होता है. ओके, देखो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट. इससे हम समझेंगे कि चीज़ का प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है. सबसे पहले हम मिल्क लेंगे, कॉमन मटेरियल है ये तो चीज़, योगर्ट और कर्ड के प्रोडक्शन के लिए मिल्क तो कॉमन ही यूज़ होता है. मिल्क लिया हमने, मिल्क को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे. स्टैंडर्डाइज हम क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर का जो फैट कंटेंट है और SNF है, नॉन सॉलिड नॉन फैट, वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो. ठीक है, देन हम मिल्क को पाश्चराइज करते हैं. ठीक है, पाश्चराइज हम 72 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं फॉर 20 to 30 सेकेंड्स के लिए. इससे क्या होगा, जो मिल्क में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे. ओके, अब हीट कर दिया मतलब उसे पाश्चराइज कर दिया. पाश्चराइज करने के बाद हम उसे कूल करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक, कूल हो जाने के बाद हम उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड करेंगे और रेनेट ऐड करेंगे. स्टार्टर कल्चर और रेनेट, रेनेट क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन केजिन को कोएगुलेट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने कूल मिल्क में स्टार्टर कल्चर और रेनेट ऐड कर दिया. मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट्स टू फॉर्म कर्ड. अब जो मिल्क के प्रोटीन्स हैं वो क्या होने स्टार्ट हो गए, कोएगुलेट होने स्टार्ट हो गए, स्पेशली केजिन. केजिन प्रोटीन कोएगुलेट होना स्टार्ट हो गया और क्या फॉर्म कर लिया उसने, कर्ड का फॉर्मेशन कर लिया. ठीक है, कर्ड बन गई अब हमारी. अब हम कर्ड को छोड़ देंगे, जब प्रॉपर हमारी कर्ड फॉर्म हो जाएगी उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, वाटरी पार्ट, वो ज़्यादातर वे प्रोटीन्स का होता है, तो हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे और जो सेमी सॉलिड पार्ट हमारा बचा हुआ है सिर्फ हम वही रखेंगे. ठीक है, जो हमारा सेमी सॉलिड पार्ट है सिर्फ हमें उसका ही यूज़ करना है. अब हमारे पास सेमी सॉलिड पार्ट आ गया, अब हम उसको शेडरिंग करेंगे. शेडरिंग देखो कैसे होता है, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, सपोज़ ये हमारा कंटेनर है. ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, ये हमारी ची कर्ड के
सेमी सॉलिड वाला पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ से वाटर हम क्या कर देंगे, वाटर पार्ट हम रिमूव कर देंगे, वे प्रोटीन्स को ड्रेन आउट कर देंगे। जो हमारा सेमी सॉलिड पार्ट है कर्ड का, हम उसे अब क्या करेंगे, सबसे पहले उसे कट कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। हम उसे कट करने के बाद उसकी शेडरिंग करेंगे, शेडरिंग किस तरह से, उसको फ्लिप कर देंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, ठीक है। एक एक बार फ्लिप कर दिया, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम जब तक आपका चीज़ का जो कर्ड है जो पूरी आपकी वो सेट नहीं हो जाती तब तक हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, चाहे हमें उसे फ्लिप एक बार करना पड़े, चाहे फिर 15 मिनट बार दोबारा करना पड़े, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम शेटरिंग करेंगे, इससे सारे जो वे प्रोटीन रिमूव कर देंगे और जो भी बचा हुआ सेमी सॉलिड पार्ट है कट का उसको कट करके उसकी शेडरिंग करेंगे। अब हमने इनको फ्लिप कर दिया, इनको फ्लिप करने के बाद हम इनको एक ही ब्लॉक में बना देंगे, जैसे ये वाला जो पार्ट है इस चीज़ को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस चीज़ को इसके ऊपर कर देंगे, तो हमारे क्या बन गए, एक ही ब्लॉक बन गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम शेडरिंग बोलते हैं। मैं आपको इमेज में शो करूँगी, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसमें आपको दिख रहा होगा शेडरिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब शेडरिंग हो गई, शेडरिंग होने के बाद ये जो ब्लॉक्स हैं ये कहाँ जाते हैं, चीज़ कटर में, ठीक है। वहाँ पे कटर में जाके ये चीज़ के छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। चीज़ छोटे छोटे पीसेज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद चीज़ की हम क्या करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं उस चीज़ को, हम उस चीज़ में हम क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम उसको रख देते हैं नाइट के लिए, ओवरनाइट तक हम उसे सॉल्ट को ऐसे नहीं रखते, सबसे पहले उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद उसे एक बॉक्स में करके, ठीक है, कॉटन क्लोथ से कवर करेंगे और फिर उसको बॉक्स में रख के उसको प्रेसिंग मशीन के थ्रू प्रेस कर देंगे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा वे प्रोटीन्स हैं वो भी क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास बेटर क्वालिटी का चीज़ आएगा। सॉल्टिंग कर दी, फिर हमारे पास फाइनली आफ्टर जब हम उसे छोड़ देंगे तो हमारे पास चीज़ फॉर्म हो जाएगा, फिर उसको पैकेजिंग के लिए भेज देंगे। आफ्टर पैकेजिंग वो कहाँ चला जाएगा, मार्केट्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें मिल्क चाहिए, मिल्क को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइज़ के बाद उसे पाश्चराइज़ करते हैं। स्टैंडर्डाइज़ क्यों करते हैं, ताकि मिल्क में जो फैट कंटेंट है और SNF है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। उसके बाद पाश्चराइज़ करते हैं हम, पाश्चराइज़ करने से क्या होगा, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मिल्क में प्रेजेंट हैं वो किल हो जाएंगे। पाश्चराइज़ करने के बाद हम उसे कूल करते हैं अप टू 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम उसे पाश्चराइज़ 72 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे थे, ठीक है। उसको कूल करेंगे ताकि जो हम स्टार्टर कल्चर डालें उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट है वो ईजिली ग्रो कर सकें, ठीक है। कूल किया, कूल करने के बाद हम उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड करेंगे और रेनेट ऐड करेंगे। रेनेट बेसिकली मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, केजिन प्रोटीन को कोएगुलेट करने में हेल्प करता है। रेनेट ऐड कर दिया, अब मिल्क क्या हो गया, कोएगुलेट, मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट हो गया और क्या फॉर्म कर दिया इसने, कर्ड बन गया हमारा, ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब कर्ड में से हम वे प्रोटीन्स को ड्रेन आउट कर देंगे। वे प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है कर्ड में, सेमी सॉलिड से हट के जो लिक्विड पार्ट होता है उस, वो बेसिकली वे प्रोटीन्स का होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे। ड्रेन आउट करने के बाद हम उसकी शेडरिंग कर देंगे। शेडरिंग किस तरह से, सबसे पहले उसे पीसेस में कट कर लेंगे, देन उसको फ्लिप कर देंगे और उसके बाद अभी ये टू ब्लॉक्स, अभी टू रोज है हमारी, फिर हम उसको सिंगल वन रो में ही क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। इसको इसके ऊपर, इस दिस वन, इस वाले को इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे, इस वाले को इसके ऊपर, इस वाले को इसके ऊपर, ठीक है। अब शेडरिंग हो गई, शेडरिंग होने के बाद हम चीज़ का एक पीस लेंगे और उसे किस में कट कर, उसमें किस में डाल देंगे, चीज़ कटर मशीन में, ठीक है। उससे क्या होगा, चीज़ के स्मॉल स्मॉल पीसेज हो जाएंगे, वो स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड हो जाएगा
और स्मॉल पीसेस में डिवाइड होने के बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम उसे कॉटन क्लॉथ से कवर करके एक बॉक्स में रख देंगे और उस बॉक्स को प्रेसिंग मशीन के थ्रू प्रेस करवाएंगे, ठीक है। और वो प्रेस कब तक होगा, ओवरनाइट के लिए, वो ऐसे ही प्रेस्ड रहेगा। इससे क्या होगा, जो एक्सेस वे प्रोटीन्स हैं, जो इसमें बचे हुए वे प्रोटीन्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और फाइनली हमारा चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चीज़ फॉर्म हो गई, अब हम उसे पैकेजिंग के लिए भेज देंगे और वो मार्केट में जाने के लिए रेडी है। क्लियर, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।